हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। अगर हमको इस शीट को बंद करना है, देखिए ये शीट नंबर 1 है, इसको डिलीट करना है, तो यहां से जाकर के राइट क्लिक करके आप डिलीट कर दीजिए। इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के एक ही शीट दिख रही है, वो शीट नंबर 3 है। अगर आपको शीट इंसर्ट करानी है शॉर्टकट की मदद से, तो आपको शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करना है, F11 की। तो आप शिफ्ट के साथ जैसे ही F11 प्रेस करेंगे, तो नीचे ध्यान दीजिएगा शीट नंबर 3 के ठीक बगल में शिफ्ट प्लस F11 मैं प्रेस करने जा रहा हूं। तो आप ये देखिए, जैसे ही शिफ्ट और F11 प्रेस किया, यहां शीट नंबर 4 आ गई। फिर एक बार प्रेस करते हैं, फिर एक बार प्रेस किया, शीट नंबर 5 आ गई। फिर एक बार प्रेस कर लेते हैं, ये शीट नंबर 6 आ गई। तो इस तरीके से शीट को इंसर्ट कराने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F11।